और कबूतर ले रहे हैं बारिश का मजा। कई दिनों से यहाँ बारिश लगी हुई है, मतलब लगातार नहीं, छोड़ पकड़, जब जब मर्जी तब बरस जा रहा है। अच्छा खासा मौसम है और अचानक से बदली और फिर बरस जा रहा है। रात में भी अच्छी खासी गर्मी और फिर अचानक से बरस जा रहा है पानी। तो इसमें कई सारे नए पट्टे जो निकले हुए थे पिछले वीडियो में वो भी हैं, जैसे ये है। और नहाने वाले नहा रहे हैं, छुपने वाले अंदर से छुप गए हैं। देखो ये छपका पट्टा जब से निकला है बाहर तब से जो तो खूब परेशान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो, और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो कई दिनों के बाद आज धूप निकली है, वरना कई दिनों से बारिश लगी हुई थी। देखो कि पर्दे वर्दे भी डालने पड़ गए, कल रात में ही बारिश हुई, सुबह तक भी हुई, मतलब हल्की हुई, बट कल दोपहर में परसों नरसों जोरदार ज़बरदस्त, मतलब कि ये जो इतना देख रहे हो पूरा पानी 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 भरा हुआ रहता था, पूरा लॉफ्ट के अंदर पानी था। तो खैर अभी तो लॉफ्ट के अंदर के बजाय लॉफ्ट के ऊपर है सारा पानी, इस पर है। अब जब पर्दे गिराएंगे ना तो फिर साफ़ करेंगे, जैसे कुछ पानी इस पर है, ज़मीन सूख गई है लेकिन इस पर अभी पानी है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो ये पूरा पानी पानी था। तो खैर मुद्दे पे आते हैं, पानी पानी रहेगा तो अब तो पानी पानी का मौसम ही है, वो तो पूरे सीज़न भर रहेगा। तो खैर आज सीक्रेट लॉफ में चलेंगे, काफ़ी सारे अंडे अंडे हो गए हैं और काफ़ी के अंडे उठाने हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई कबूतर अंडे दे दे रहा है। तो अभी उसमें भी मसला ये है कि दो तीन कबूतर अंडे नहीं दे रही थी मादियाँ, तो उनके अंडे हैं नहीं, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम है कि कभी समझ में ही नहीं आता किसके अंडे हैं या नहीं, क्योंकि जब तक बाहर से ना देखो तो समझ में नहीं आता, अंदर जाओ तो वो दाने पानी के टाइम ही सिर्फ अंदर जाया जाता है और उठ के चले आते हैं, तो समझ में नहीं आता किसका है। तो आज चलना है, चेक करना है, और काफ़ी सारे इसमें जोड़े हैं जो अभी अंडे बच्चे से खाली हुए हैं, मतलब बच्चे भरा के उठे हैं, तो सोच रहा हूँ कि कुछ के जोड़ को थोड़ा रेस्ट दे दें। जैसे ये गल्लू में है, ये भी अंडे बच्चे से खाली है, वो तो अभी अंडे पे है, बच्चे पे भी है, कुछ कलसीरे हैं इसमें एक जोड़ जो अंडे और बच्चे पे नहीं है, और तो लगभग सभी अंडे या बच्चे पे हैं। इसमें एक जोड़ काली वो कलांच है, नर भूरा है, मादी कलांच है, सोच रहे हैं उसके भी जोड़ तोड़ दें, नर किसी और का है जिसका उसको दे दें, मादी अपनी है, या तो बाद में उड़ाएंगे या तो फिर किसी और नर से बाद में जोड़ लगाएंगे। बच्चे बच्चे भी थोड़ा हमने दिखाए ही थे, भूरे हुए थे, दो तीन दिन में फिर निकाल ही लेंगे। तो चलिए सीक्रेट लॉफ में चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या अंडे बच्चे हैं। और सीक्रेट लॉफ में मतलब पहला बच्चा हुआ है कल, यानी कि इस लॉफ का पहला बच्चा पैदा हुआ, वो हम दिखाएंगे। वो बच्चा किसी और का, मतलब अंडा उसके नीचे रखे थे, चल के दिखाते हैं, देख सकते हो, खैर यहाँ से तो दिख नहीं रहा, तो वो चलिए चलते हैं अंदर। कुछ ऐसा नजारा है, अभी एक अड्डा और लगाना है, हालांकि ये दो अड्डे का जगह है, तो एक डंडा मेरे पास पड़ा हुआ है, काट के लगा देंगे, एक हो जाएगा। तो अंडे इसके गंदे हो गए थे, सबसे पहले इसने दिया था, इसने दिया, इसके भी दोनों फूट गए। ये लल्लुम्मी ने पहली बार दिया है, शायद इस नर को लगा के दिया है, तो छोड़ दिया मैंने, पता नहीं जान पड़े या नहीं, दो चार दिन के बाद चेक कर लेंगे। इसके बाद इस उमर ने, ये उमर मादी का, पहले मैंने जोड़ उधर लगाया था इस वाले बड़े वाले उमर से, तो उधर में सब इसने जगह सेट नहीं कर पाई और बाकी कबूतर मार रहे थे तो मैंने इधर छोड़ दिया,
तो इसने वापस किसी और पहले नर से लगा हुआ था उसी से लगा दिया, दूसरा अंडा दे देने दो, तो फिर उठा के फिर छोड़ेंगे जोड़ में, दूसरे केज में। बहुत सारे केज खाली हो गए हैं क्योंकि कुछ नर मादी जोड़ों से हटा रहे हैं धीरे 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 धीरे। और हाँ, मैं दिखाने वाला था पहला बच्चा। हाँ, इसमें एक मादी तो काफ़ी दिनों से अंडे नहीं दे रही थी, हालांकि पहले हम मेरे अंडे बच्चे करती थी, मेरे घर की पट्टी है, काफ़ी अच्छे से अंडे बच्चे करती थी, पर बीच में रुक गई थी, अंडे बच्चे नहीं कर रही थी। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, इसने दे दिया। कई सारे केज में इसको छोड़ा, सिंगल केज में, मतलब जोड़ वाई जोड़ वाले में भी, उधर में, और मेन जो पुराना वाला है येलो वाला लॉफ उसमें भी, बट दे ही नहीं रही थी, बैठ रही थी, ऐसा लग रहा था अब देगी तब देगी, बट देखो इसने फाइनली दे ही दिया। और कई बार कबूतर का मूड चेंज हो जाता है जगह बदलने से, तो दे भी देते हैं। अभी दो तीन मादी और हैं इसमें, वो भी नहीं दे रही है, उनका भी देखना है। हालांकि ये मादी छोड़ के बाकी जो दो तीन मादी नहीं दे रही है वो किसी और की है, वो आई है यही के लिए कि मतलब उसके यहाँ जोड़ मतलब अंडे नहीं दे रही, हो सकता हमारे यहाँ जगह चेंज हो, नर चेंज हो, तो दे दे, देखते हैं क्या होता है, देगी देगी, नहीं देगी तो फिर जो भाई जिसका है उसको वापस कर देंगे। अपनी एक मादी थी अंडे नहीं दे रही थी, देने लगी, अभी देखो दूसरा देती है या नहीं या कब देती है। और वैसे काफ़ी सारे इसमें फूट फूट हैं कबूतर, और मादी भी फूट है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो अपना लगा लेती हैं किसी से। ये मादी भी दूसरे की है, ये भी अंडे नहीं दे रही है, देखो क्या होता है, पता नहीं इसने किसी से लगाया कि नहीं, पता नहीं। अभी यहाँ पे देखो, कल तक एक अंडे थे तो कल शाम में दूसरे हुए हैं, कोई और मादी बैठती थी, और सुबह से देख रहे हैं कि ये मादी बैठ रही है, पता नहीं किसका अंडा है किसका नहीं। वो तो अभी को इस टाइम सब बैठे हैं कि समझ में आ रहा है कि हाँ कौन किसका है। तो खैर, हम बच्चे दिखाने आए थे, देख सकते हो अंडा फूटा हुआ है, और आंसू कल नहीं, कल सुबह मैंने देखा कि बच्चा था, और ये पतला दुबला सा बच्चा, सारंगपुरी का बच्चा है। इसके नीचे मैंने रख दिया था, इसकी अभी जो नर मैंने उठाया वो इसी का जोड़ा था, तो कई बार से उसके बच्चे होने देते, मैंने इस बार भी उनके ना, इस बार भी इसके बच्चे नहीं होंगे, मैंने किसी और का रख दिया। हालांकि सारंगपुरी के दो अंडे थे, जो पहले का अंडा था उसमें से ये बच्चा निकला, और दूसरी बार का जो अंडा था वो नॉर्मल अंडे से काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा मतलब उसका डेढ़ गुना कह सकते हो। और उसमें जब मैंने चेक किया तो इस वाले, ये जिस मतलब इस अंडे में से ये निकला है, तो इस अंडे में जान थी, और उस अंडे में जान पड़ के मर चुकी थी, और उसमें दो जर्दियाँ थी, जो येलो वाला हिस्सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, योल्क या फोल क्या बोलते हैं उसको, जर्दी इंग्लिश में, अरे सॉरी हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में ये पता नहीं, शायद योल्क बोलते हैं या फोल्क बोलते हैं, ऐसे कुछ है, तो खैर बाकी लोग कोई कुछ और बोलते होंगे पता नहीं, मतलब कि जो पीला वाला हिस्सा होता है उसको, तो उसमें दो थी, और दोनों दोनों में जान पड़ी हुई थी, मतलब दोनों जर्दियों में जान थी, और चार पाँच दिन के बाद वो मर चुके थे उसमें। इस बार भी उसने थोड़ा पहले का पहला वाला अंडा छोटा दिया और दूसरा अंडा बड़ा दिया है, तो अभी कल ही दिया है उसने दूसरा अंडा, तो देखते हैं, बट पिछली बार की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मुझे बाद वाला अंडा बड़ा दिख रहा है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। कोई ठीक नहीं कि इस बार भी उसने डबल जर्दी वाला, यानी एक ही अंडे में दो पीला हिस्सा हो। मैंने अंडा रखा हुआ था दिखाने के लिए पिछली बार वाला, यानी कि इस बच्चे के साथ वाला अंडा, लेकिन दिखा नहीं पाया, और वो अंडा पड़ा था, और लगता है बिल्ली जैसे रात में आती ना तो फोड़ देती, काफ़ी सारे अंडे मतलब दरवे के मैं बाहर या अंदर रूम में रख देता हूँ, ताकि तो कई बार देखता हूँ कि बिल्ली तोड़ देती है। इसने अभी कल दूसरा दिया, उसने कल पहला दिया, उसने परसों पहला दिया, इधर इसने भी दिया था, यहीं पर टूट गया। यहाँ पे भी एक मादी कोई बैठ रही है, शायद ये काली वाली, काली आँखों वाली। और देखो जिसको जहाँ जगह मिली, असल में इसमें अंडे बच्चे मेरे को कराना नहीं है, जो दे दे रहा है दे दे रहा है, जान पड़ जा रही है, नहीं देख पा रहे हैं, तो वही सब हो रहा है।
और लॉकडाउन खुलने के इंतजार में है। काफी सारे कबूतर मतलब हो गए हैं, करीब करीब 12-15 पट्ठे हैं मेरे पास निकालने को। और मुझे लगता है कि इसमें भी ये हो गए, ये हो गया, ये तो किसी और का है, ये हो गया, ये तो अपना है, पीछे हो गया, ये अपने घर के बच्चे हैं, ये मादी हो गई निकालने वाली, ये दोनों तो रखने वाला है, ये भी मादी है, ये किसी और का है। तो खैर इस तरह नहीं हो पाएगा, अलग से पूरी एक वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता है कि 12-15 तो मैं पट्ठे गिन के आया हूँ और उधर 3-4 पुराने हैं और बाकी पुराने बेचने वाले इसी में पड़े हुए हैं, कुछ जोड़ में। अब जैसे ये है, अब इसी जोड़ में लग गया, अंडे नहीं हटाएंगे। वैसे मेरे को अंडे इसके हटाने, क्योंकि नरमादी दोनों मुझे बेचने थे। और देखो अंडे भी टूट गए हैं और दूसरे अंडे में अभी जान नहीं पड़ी होगी क्योंकि कल ही का होगा। हम यहाँ पे आए थे ईंटें लगाने, यार खतरनाक के अंडे हैं। बाद में कोई दूसरा ईंटा लगा देंगे। तो वो था इस लॉफ्ट का पहला बच्चा और काफी सारे कबूतर हैं सेल को, बट अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि सिर्फ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो बेचना नहीं उसको भी लोग कहने लगेंगे ये दे दो वो दे दो वाला हिसाब। तो बनाएंगे अभी तो खैर वीडियो तो बेचने वाली बात है बनाएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और दूसरी चीज की हम किसी को बुलाना भी नहीं चाहते इस टाइम, क्योंकि केसेस इतने बढ़ता है कि बेहतर है कि हले हले थोड़ा इत्मीनान रखो और कुछ दिन और पड़े रहेंगे। अब बाई चांस कोई आ जा रहा है बिना बताए तो फिर उसकी बात अलग है कि मिलना पड़ जा रहा है जबरदस्ती, अब उसको भगा तो सकते नहीं है। बट फिर भी जहाँ तक हो सके सिर्फ मैं ही नहीं सबको एहतियात बरतना चाहिए। जैसे इतने दिन हो गए वैसे थोड़ा और, तो करीब करीब मेरे पास मैं समझता हूँ 30-50 के करीब कबूतर होंगे बेचने को। मोटा मोटी 2-3-4-5-6 तो करीब करीब 15-20 के करीब भी इस केज में कबूतर है। 12-14-15 जो भी हो पट्ठे होंगे, 4-5 उधर भी हैं पुराने और कुछ पुराने और भी हैं लेकिन अंडे बच्चे पे फंस गए हैं। तो खैर और इसमें करीब करीब 15-20 कबूतर दूसरे के हैं, वो भी दूसरे को दे देंगे, जिसका जिसका है हो जाएगा अपना हिसाब थोड़ा सा हल्का। करीब करीब 50-60 कबूतर ऐसे ही कम हो जाएंगे। और अब मेरा फोकस पूरा सिर्फ कल सिरों पर है। कल दुब में 1-2 जोड़ रखेंगे, बनारसी कासनी जो लल्सीरे होते हैं, जो ये जैसे ये कल सिरे हैं, ये है ये वो है लल्सीरे, वो है छपके हो गए। और इसके अलावा 1-1 जोड़ करके कुछ और भी 1-2 ब्रीड हो जाएगी। अगर सबज का जैसे वो शाहजहाँपुरी क्रॉस के हैं, ये है शाहजहाँपुरी क्रॉस नर, वो है नर, तो अगर मादी मिल गई अच्छी तो ठीक है, 1 जोड़ इसको बना लेंगे। उधर अपने पास 1-2 जोड़ मसाल हो जाएंगे, ये मतलब कलदुम्बे हो जाएंगे। छपके तो है ही है, मेन इन लल्सीरों का जो बनाना है, लल्सीरे हैं ही हैं, खतन है ही है, खतन तो भाई ऑल टाइम हिट है वो मेरे लिए, वो मैं हटा नहीं सकता। तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी एवर ग्रीन है मेरे लिए, तो वो तो शुरू से हैं अब तक हैं तो वो तो रहेंगे ही। और बस 1-2 जोड़ और करके कोई होंगे तो रहेंगे, मन करेगा कोई पसंद आ गया तो ठीक है, देखेंगे उस टाइम क्या रखने का मूड करेगा। इस टाइम लेकिन फिलहाल पूरा सिर्फ मूड छपके का खेल बनाने का है, कलसीरे का और कलाक लल्सीरे, चाहे सफेद आँख के भी लल्सीरे तो अपने पास कई हैं बट फूट है ये सब, सिर्फ वही 1 जोड़ में लगा हुआ है अभी, रेस्टिंग पे दिया उसे, 2-3 बार से अंडे दे रही है, बच्चे मर जा रहे हैं तो इसने मैंने किनारे छोड़ दिया रेस्टिंग पे। और
देखा जाएगा बाकी उस टाइम। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़। देखो अभी वीडियो बना ही रहे हैं और अभी जस्ट बताया था कि कितने दिनों के बाद धूप निकली और थोड़ी ही देर हुई थी कि बस फिर से बारिश शुरू। आवाज सुनाई दे रही होगी, हमने का नाम तो ले रहा है बट थोड़ी देर में फिर से शुरू हो जा रहा है।